मैं हूं दोस्त आपका सत्यम चतुर्वेदी, और देखिएगा आज की राग रामकली है। ध्यान से देखिएगा, रामकली का आरोह अवरोह पकड़ कुछ इस प्रकार है, मैं आपको कीबोर्ड पे बता रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले सड़ज, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि दोस्तों अगर राग में आपने ये सीख लिया कि ये राग का आरोह का चलन ये है या ये है या कोई और है, यानी कोई नी से गाई जाती है, कोई सा से गाई जाती है, कुछ रागे सा से गाई जाती है, तो हमको क्या समझना है इसका चलन कहाँ से है। बच्चों, इसका चलन सड़ज से है। राग रामकली का चलन जो है ना आरोह सड़ज है, और रामकली एक तरीके से देखी जाए तो बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर, बड़ी प्यारी राग है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें हमारा कोमल ली का भी प्रयोग होता है, कोमल धा का भी प्रयोग होता है। कोमल ली भी लगता है कोमल निषाद, और कोमल धा कोमल धैवत, और तीव्र मा, यानी जो राग शुद्ध से स्टार्ट होगा तीव्र में कोमल में सब कुछ घुमा दे। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कि अगर एक अलग ही बात हो जाएगी, मान लीजिए एक राग आई, बिलावल राग आई, तो उसने स्टार्ट किया, एक बार धिया रे धिया, सबसे पहले बिलावल आया तो उसमें क्या हुआ, सड़ज से गाया गया है, ये तो आरोह का चलन हो गया। सारे गमा पधनी सा सनी दापा मगरी सा, तो उसकी दुनिया शुद्ध की हो गई, इसने बस शुद्ध स्वरों पे काम किया, इसने कोई दूसरा ट्रिक एक्टिविटी नहीं की। लेकिन जो और कोई राग आई तो उसने कोमल स्वर लगा दिए, भैर भी आ गई। अब रामकली जब आती है तो वो तीव्र को भी पकड़ती है, कोमल को भी पकड़ती है, शुद्ध को भी पकड़ती है, और यहां से उतार के सीधे सा पे आती है। यानी एक राग जा रही है जो शुद्ध स्वर को पकड़ के सीधे शुद्ध में गाई जा रही है, एक राग जा रही जो कोमल स्वर में गाई जा रही है, और एक राग गाई जा रही जो शुद्ध में भी गाई जा रही है। दोस्तों, बच्चों, संगीत की प्रेमियों, और कोमल में भी गाई जा रही है, और तीव्र स्वर का भी प्रयोग हो रहा है। अब जैसे कि तीव्र स्वर का प्रयोग होता है दो माँ है, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, एक शुद्ध माँ होता है, एक तीव्र माँ होता है, और एक तीव्र माँ होता है, इसको मैं बोलता हूँ शास्त्रीय संगीत में माँ, शुद्ध माँ, जब यहाँ सा माना गया है। लेकिन भ्रम की बात है, अगर यहाँ सा मान लेंगे तो माँ हमारा कोई दूसरा हो जाएगा। हम एक प्रॉपर सीरीज तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको हारमोनियम का ये बताएंगे कि सा हम कहाँ पे माने, और सा किस जगह मान के अपनी आवाज़ को अच्छे से अच्छे गा सके। यानी सा यहाँ मान लेते हैं तो 17 रीड तक अगर आपकी आवाज़ अच्छी जाती है, आवाज़ नहीं फटती है, तो वही आपका सा माना जाएगा। ये ट्रिक होती है, तो इस ट्रिक को बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे राग रामकली। तो रामकली के आरोह हमारे जो होंगे वो इस प्रकार हैं, सा गा का अवरोह सा।